हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार, सीआरसी लखनऊ के फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशन थेरेपी डिपार्टमेंट से आज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में कुछ सामान्य लक्षण और उससे संबंधित घर पर की जाने वाली एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। पार्किंसन को RPWD एक्ट 2016 में 21 डिसेबिलिटी में शामिल किया गया है। पार्किंसन डिजीज में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है, जिससे ब्रेन से निकलने वाले डोपामिन हार्मोन का सिक्रेशन कम होने लगता है। ये डोपामीन हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शंस, हमारे मोटर कंट्रोल और हमारे इमोशन, इन सब को कंट्रोल करता है, जिससे हमारे शरीर के हमारा फंक्शन और ये सब सारी चीज़ें अफेक्टेड होने लग जाती हैं। डोपामीन को हम जनरली हैप्पी हार्मोन और मोटिवेशनल हार्मोन भी कहते हैं। पार्किंसन डिजीज के कुछ प्रमुख लक्षण है, जिसमें सबसे पहला आता है ट्रेमर। ट्रेमर का मतलब है हाथ पैरों में कंपन स्टार्ट हो जाना। सेकेंड जो प्रमुख लक्षण है उसमें है स्लोनेस ऑफ मूवमेंट का मतलब है कि पेशेंट को चलने में कठिनाई होने लगती है, वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने लगता है, वो मूवमेंट को इनिशिएट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो है रिजिडिटी। इसका सामान्य मतलब होता है उसके हाथ पैरों में टाइटनेस, अकड़न आने लगता है। इसके बाद इसका बैलेंस अफेक्टेड हो जाता है और उसे वॉकिंग करने में प्रॉब्लम होने लगती है। पार्किंसंस के पेशेंट कोविड पीरियड में किसी भी रिहैब सेंटर या हमारे सीआरसी नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से हम घर में की जाने में कुछ महत्वपूर्ण और सामान्य एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जिससे करके वो अपने एक्टिविटी और डेली लिविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये होम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ मैं सेफ्टी टिप्स भी बताना चाहता हूँ। ये एक्सरसाइज जब भी करें तो आप किसी के निरीक्षण में करें, साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आपके पास कोई स्टेबल सपोर्ट भी होना चाहिए। और अगर आपको ये एक्सरसाइज करने में किसी तरह की कोई परेशानी होती है या जोरों में दर्द होता है, किसी तरह का थकान होता है, तो आप अपने कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एवं ऑक्यूपेशन थेरेपी से तुरंत कांटेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं ये एक्सरसाइज हम घर पे कैसे कर सकते हैं। होम एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज है चेयर एक्सरसाइज। इसमें आप पेशेंट को किसी भी घर के स्टेबल चेयर, स्ट्रॉन्ग चेयर पे इस पोजिशन में, स्ट्रेट पोजिशन में बिठाएंगे। बिठाने के बाद दोनों हाथों को क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ झुकने को कहना है। आगे की तरफ झुक करके 3-5 सेकेंड होल्ड करने के बाद थोड़ा क्विकली और एनर्जेटिकली हाथों को पीछे की तरफ लाना है। ये रेपिटेशन आप 5-10 times करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है स्विंग ऑन चेयर। इसमें आप पेशेंट को अपने हाथों को अल्टरनेटिवली स्विंग करने के लिए कहेंगे, 1 up and down। ये 3-5 minutes किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप पैरों को भी स्टेप अप स्टेप डाउन ये एक्टिविटीज भी चेयर पे बैठ करके करा सकते। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रोटेशन एक्सरसाइज। इसमें एक हाथ को स्ट्रेट करके हथेली को खोल करके नीचे की तरफ रखेंगे, दूसरे हाथ को हथेली को स्काई की तरफ रखेंगे, फिर रोटेट करके उसे उसके ऊपर लाना है और फिर से अगेन ऊपर की तरफ लाना, और पेशेंट को कहना है इसे फॉलो करने के लिए। आप इसे अल्टरनेटिवली दूसरे हाथ को नीचे की तरफ रखेंगे और इसको फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट को बोलेंगे दोनों हाथों को स्ट्रेट करके सामने की तरफ होल्ड करना है। इसके बाद अल्टरनेटिवली राइट हैंड बाहर की तरफ लाना है और फिर अंदर की तरफ लाना है, फिर लेफ्ट हैंड बाहर की तरफ ले जाना है, फिर अंदर की तरफ लाना है। ये 5-10 times कर सकते हैं। इसके बाद आप दोनों हाथों को बाहर की तरफ लाएंगे और अंदर की तरफ लाएंगे, बाहर की तरफ लाएंगे और अंदर की तरफ लाएंगे। ये भी एक्सरसाइज आप 5-10 times कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज। इसमें पेशेंट को सेफली किसी स्ट्रॉन्ग चेयर पे इस पोजीशन में, स्ट्रेट पोजीशन में बिठाएंगे। इसके बाद हाथ को आर्मरेस्ट पे रखेंगे और थोड़ा आगे झुक करके पैरों पे वजन देते हुए अप होना है, फिर बैक सिट डाउन होना है। ये एक्सरसाइज भी 5-10 times करवा सकते हैं। अगर पेशेंट खुद से उठने में असमर्थ है तो आप आगे किसी तरह का टेबल रख सकते हैं और पेशेंट टेबल को होल्ड करके सिट टू स्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हिल ऑफ एंड टो ऑफ। इस एक्सरसाइज में आप पेशेंट को किसी टेबल के सपोर्ट से इस पोजिशन में खड़ा कर देंगे, फिर इसके बाद पेशेंट को हिल ऑफ करने को कहेंगे। 5-10 times हिल ऑफ करने के बाद आप टू ऑफ
करवाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वॉकिंग ऑन स्ट्रेट लाइन। इस एक्सरसाइज में फ्लोर पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसके बाद दोनों पैरों को राइट और लेफ्ट लाइन के बगल में प्लेस करेंगे और पेशेंट जब स्टेबल हो जाए इस पोजीशन में तो उसे आगे की तरफ चलने के लिए कहेंगे, बट ये ध्यान रहे उसका पैर लाइन के ऊपर ना आए। साथ ही आप बैकवर्ड वॉकिंग भी स्टार्ट करवा सकते हैं अगर पेशेंट में बैलेंस की स्टेबिलिटी आ जाती है तो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है टेंडम वॉकिंग। टेंडम वॉकिंग में इसी स्ट्रेट लाइन का हम इस्तेमाल करेंगे। पेशेंट को हम अपना दाहिना पैर लाइन के ऊपर रखने को कहेंगे, फिर इसी के फ्रंट में आगे सेम वो अपना लेफ्ट लेग भी रखेगा। पहले हम इस पोजीशन में पेशेंट का बैलेंस इंप्रूव करेंगे। जब पेशेंट इस पोजीशन को होल्ड कर सकता है और सस्टेन कर सकता है तो फिर हम उसे आगे वॉक करने को कहेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अल्टरनेट स्टेपिंग। इस एक्सरसाइज में पेशेंट अपने आगे एक स्टेबल स्टूल रखेगा, इसमें फिर अल्टरनेटिवली अपना पैर स्टूल के ऊपर रखना है और वापस पुनः उसी पोजीशन में ले जाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लैटरल शिफ्टिंग ऑफ फुट। इस एक्सरसाइज में पेशेंट के बगल में आप स्टूल को प्लेस करेंगे, फिर पेशेंट अपना पैर इसके ऊपर उठा करके रखेगा। ये आप दोनों तरफ राइट और लेफ्ट दोनों पैर से ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिगर ऑफ एट वॉकिंग। इस एक्सरसाइज में आप दो कोन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोन नहीं है तो घर में किसी भी ऑब्स्टकल या मग या जार का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ी दूरी पे दोनों को प्लेस करने के बाद पेशेंट को आप फिगर ऑफ एट में वॉक करने के लिए कहेंगे। सेम इसी तरह से जैसे मैं वॉक कर रहा हूं, इसको 5 to 10 times रिपीट करवा सकते हैं। बताई गई और दिखाई गई ये होम एक्सरसाइज में से आप पेशेंट के कैपेबिलिटी के अनुसार कुछ एक्सरसाइज और एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं और ये ध्यान जरूर रखें कि हर एक एक्सरसाइज के बीच में पेशेंट को थोड़ा गैप देना है और उसे रेस्ट कराना है। धन्यवाद।